2021 इंडियन स्टार्टअप कंपनीज के लिए काफ़ी धमाकेदार रहा है। इंडिया को इस साल में ही 40, जी हाँ 11 महीनों में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 40 स्टार्टअप्स मिले हैं जिनकी यूनिकॉर्न क्लब में एंट्री हुई है। काफ़ी फंडिंग राउंड्स में मोर देन 37 बिलियन US डॉलर्स रेज हो चुका है अभी तक इन 11 महीनों में, और इस साल कुछ फर्स्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं इकोसिस्टम में जिनमें हेल्थ टेक, ई फार्मेसी और सोशल कॉमर्स यूनिकॉर्न्स देखने को मिले हैं। नमस्ते मेरे सारे व्यूअर्स को, आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ डिटेल्स 2021 के 40 स्टार्टअप्स के बारे में जो यूनिकॉर्न क्लब में एंटर हो गए हैं। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के आपको दर्शन होते रहें। साल की शुरुआत होती है पहले यूनिकॉर्न डिजिट इंश्योरेंस से, जो 2016 में फाउंडेड बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है जो टेक ड्रिवन जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइड करता है। कंपनी कस्टमाइज पॉलिसीज हेल्थ, ऑटो, ट्रैवल, स्मार्टफोन्स और कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे स्टोर्स और हॉलीडे होम्स भी प्रोवाइड करती है। कंपनी ने अराउंड 84 मिलियन डॉलर्स रेज किए हैं और अभी टोटल वैल्यूएशन अराउंड 3.5 बिलियन डॉलर्स है। फरवरी के महीने में हमें दो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स मिले, इनोवैक्सर और इंफ्रा मार्केट। पैंडेमिक के इस दौर में हेल्थ टेक स्टार्टअप्स ने काफ़ी फंडिंग रेज की है और इनोवैक्सर इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में पहला हेल्थ टेक यूनिकॉर्न बना है। कंपनी हेल्थ केयर डेटा को एनालाइज करती है और एक्शनेबल इंसाइट्स प्रोवाइड करती है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस कंपनीज और कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस और बिजनेसेस को। टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट से 105 मिलियन यूएस डॉलर्स की फंडिंग के बाद कंपनी की वैल्यूएशन अराउंड 1.3 बिलियन डॉलर्स है। इंफ्रा मार्केट 2016 में फाउंडेड एक B2B ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट मार्केट प्लेस है कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट मटीरियल्स, और एग्रीगेट करता है डिमांड और सप्लाई चेन से मैच करता है अलॉन्ग विद होलसेल प्राइसिंग एंड अफोर्डेबल क्रेडिट और फाइनेंसिंग। टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट से 100 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग के बाद कंपनी की वैल्यूएशन करेंटली अराउंड 4 बिलियन डॉलर्स है। मार्च में चेन्नई बेस्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस यूनिकॉर्न क्लब में एंटर किया है। फाइव स्टार छोटे बिजनेसेस की कम्युनिटी को फाइनेंसेस में हेल्प करता है बोरोवर के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए, नए बिजनेसेस स्टार्ट और एक्सपेंशन करने के लिए। 234 मिलियन यूएस डॉलर्स फंडिंग के राउंड के बाद कंपनी स्टैंड करती है 1.4 बिलियन डॉलर्स के वैल्यूएशन पर। चलते हैं अप्रैल के महीने में जहां हमें काफ़ी सारे यूनिकॉर्न्स देखने को मिले। मीशो जो एक सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एक ऑनलाइन रीसेलर नेटवर्क है स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए जो व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल चैनल्स पर सेल करते हैं। इस पोर्टल पर पैन इंडिया अराउंड 13 मिलियन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स हैं और कुछ 45 मिलियन कस्टमर्स हैं। सॉफ्ट बैंक के 300 मिलियन डॉलर्स फंडिंग राउंड के बाद कंपनी का वैल्यूएशन है 2.1 बिलियन डॉलर्स। फार्म इजी भी एंट्री लेता है क्लब में एज इंडियाज फर्स्ट ई फार्मेसी यूनिकॉर्न। 2015 में फाउंडेड ये क्रॉनिक केयर सेगमेंट स्टार्टअप काफ़ी सर्विसेज ऑफर करता है जैसे टेली कंसल्टेशन, मेडिसिन डिलीवरीज, डायग्नोस्टिक टेस्ट के सैम्पल कलेक्शंस और फार्मेसीज को सॉफ्टवेयर एज अ सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराता है प्रोक्योरमेंट में कंबाइंड विद डिलीवरी, लॉजिस्टिक सपोर्ट और क्रेडिट सोल्यूशंस। 323 मिलियन डॉलर्स के फंडिंग के राउंड के बाद कंपनी का वैल्यूएशन 1.5 बिलियन डॉलर्स है। क्रेड, जिसके आपने ऑनलाइन और टीवी पर काफ़ी एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे, ये कंपनी भी यूनिकॉर्न क्लब में एंटर हो गई है। क्रेड एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जो फोकस करता है प्रीमियम क्रेडिट कार्ड ओनर्स को और क्रेडिट बिल्स पे करने पर उनको बेनिफिट्स और रिवॉर्ड्स ऑफर करता है। लास्ट ईयर कंपनी ने ई कॉमर्स में एक्सपेरिमेंट किया और क्रेड स्टोर लॉन्च किया और दिसंबर में क्रेड पे लॉन्च किया जिसमें यूजर क्रेड रिवॉर्ड कॉइन्स अलग अलग ई कॉमर्स साइट्स पर यूज कर सकते हैं और डिस्काउंट्स अनलॉक कर सकते हैं। 215 मिलियन यूएस डॉलर्स फंड रेस के बाद कंपनी का वैल्यूएशन 2.2 बिलियन डॉलर्स हो गया है। जीरोधा के बाद इंडिया को दूसरा फाइनेंशियल टेक स्टार्टअप मिला जो यूनिकॉर्न क्लब में एंट्री लिया, ग्रो। ग्रो अलाउ करता है यूजर्स को स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, IPOs, ETFs और गोल्ड में इन्वेस्ट करने को वाया मोबाइल ऐप और वेब प्लेटफॉर्म। कंपनी ने स्टॉक्स भी लॉन्च किए हैं डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर्स के लिए।
टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट के 83 मिलियन डॉलर्स फंडिंग के बाद कंपनी का वैल्यूएशन स्टैंड करता है 1 बिलियन डॉलर्स। शेयरचैट एक रीजनल लैंग्वेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका मंथली एक्टिव यूजर बेस 2020 में 60 मिलियन से 160 मिलियन इंक्रीज हुआ, वो भी इस साल यूनिकॉर्न क्लब में एंटर हो गया है। 2015 में फाउंडेड ये स्टार्टअप व्हाट्सएप के लिए कंटेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म था और एज अ वर्नैक्युलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ग्रो हुआ। साथ ही कंपनी ने टिकटॉक के बैन के 2 दिन बाद मौज एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया जिसके अभी मोर देन 80 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। 502 मिलियन यूएस डॉलर्स की फंडिंग के बाद कंपनी का वैल्यूएशन अराउंड 2.1 बिलियन डॉलर्स है। कन्वर्सेशनल मैसेजिंग स्टार्टअप गपशप इस साल का 9th यूनिकॉर्न स्टार्टअप रहा। कंपनी अपने APIs एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस जो इंक्लूड करते हैं चैटबॉट्स, बॉट बिल्डिंग टूल्स, ओमनी चैनल इनबॉक्स कैपेबिलिटीज, कॉन्वर्सेशनल AI, क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग कम्युनिकेशन इन बिजनेसेस जैसे बैंकिंग, ई कॉमर्स, हॉस्पिटैलिटी, कंज्यूमर गुड्स को प्रोवाइड करते हैं कस्टमर एंगेजमेंट के लिए। टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट से 100 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग के बाद कंपनी का वैल्यूएशन 1.4 बिलियन डॉलर्स है। इंडिया का अगला यूनिकॉर्न चेन्नई बेस्ड सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म चार्जबी था। चार्जबी ऑटोमेटेड सब्सक्रिप्शन बिलिंग प्लेटफॉर्म है जो पेमेंट गेटवे से इंटीग्रेटेड है, जो ऑटोमेट करता है पेमेंट कलेक्शंस, इनवॉइसिंग, ईमेल नोटिफिकेशंस और कस्टमर मैनेजमेंट को। टाइगर ग्लोबल सेफायर वेंचर्स और इनसाइड वेंचर पार्टनर्स से 125 मिलियन डॉलर्स रेज करने के बाद कंपनी का वैल्यूएशन 1.4 बिलियन डॉलर्स है। अप्रैल का लास्ट यूनिकॉर्न अर्बन कंपनी था। ये होम सर्विस कंपनी का नाम आप सभी ने सुना होगा और ये लोग फोकस करते हैं अप्लायंस रिपेयर, प्लम्बिंग, कारपेंट्री, क्लीनिंग, पेंटिंग, ब्यूटी और मसाज सर्विसेज में। प्रोसेस DF इंटरनेशनल और वेलिंगटन मैनेजमेंट से 188 मिलियन डॉलर्स फंडिंग रेस करके अर्बन कंपनी का वैल्यूएशन 2 बिलियन डॉलर्स है। मई में इंडस्ट्रियल B2B मार्केटप्लेस मोगलिक्स यूनिकॉर्न क्लब में एंटर किया। मोगलिक्स एक ई कॉमर्स मार्केटप्लेस है अलग अलग टाइप के इंडस्ट्रियल टूल्स जैसे पावर टूल्स, हैंड टूल्स, एडेसिव्स, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड इलेक्ट्रिकल्स। साथ ही ये काफ़ी इंडस्ट्रीज को सेफ्टी टूल्स, हार्डवेयर, ऑफिस सप्लाईज और बहुत कुछ प्रोक्योर और सप्लाई करते हैं। 12 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग रेस करने के बाद कंपनी का वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर्स पर स्टैंड करता है। मोगलिक्स के साथ हमें 2015 फाउंडेड जीटा स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब में मिला। जीटा ऑफर करता है क्लाउड बेस्ड नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड प्रोडक्ट्स के इशुएंस के लिए जो कंपनीज को हेल्प करता है एंगेजिंग रिटेल और कॉरपोरेट प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए। साथ ही एंटरप्राइजेस को ऑटोमेटेड कैफेटेरिया बिलिंग और ऐसे अन्य डिजिटाइज सॉल्यूशंस ऑफर करता है। सॉफ्टबैंक से 250 मिलियन डॉलर्स रेज करने के बाद कंपनी का वैल्यूएशन 1.45 बिलियन डॉलर्स है। सॉफ्टवेयर एज अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर स्टार्टअप ब्राउजर स्टैक ने जून में यूनिकॉर्न स्टेटस गेन किया। ब्राउजर स्टैक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसके कुछ 50,000 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं और अराउंड 4 मिलियन डेवलपर साइनअप्स हैं इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, बार्कलेज और एक्सपीडिया। 200 मिलियन की फंडिंग रेज करने के बाद कंपनी का वैल्यूएशन मैसिव 4 बिलियन डॉलर्स है। जुलाई में बेंगलुरु बेस्ड ब्लैकबक जो डिलीवरी और रिवीको के बाद तीसरा लॉजिस्टिक्स बेस्ड स्टार्टअप है जो यूनिकॉर्न क्लब में एंटर हुआ है। ब्लैकबक एक ऑनलाइन ट्रकिंग प्लेटफॉर्म है, ट्रकर्स के फ्लीट ऑपरेशंस को डिजिटाइज करने में हेल्प करता है और ट्रक्स को रिलेवेंट डिलीवरी लोड्स मैच करने में भी हेल्प करता है। 67 मिलियन डॉलर्स रेस करने के बाद कंपनी का वैल्यूएशन स्टैंड करता है 1 बिलियन डॉलर्स पर। गुड़गांव बेस्ड ड्रूम ने भी इस महीने यूनिकॉर्न स्टेटस गेन किया है। ड्रूम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां यूजर्स ऑटोमोबाइल्स खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। कंपनी के 4 मार्केटप्लेस फॉर्मेट्स हैं B2C, C2C, C2B और B2B और 3 प्राइसिंग फॉर्मेट्स हैं फिक्स्ड प्राइस, बेस्ट ऑफर और ऑक्शन। 200 मिलियन डॉलर्स के प्री IPO फंडिंग रेस करके 1.2 बिलियन डॉलर्स के वैल्यूएशन पर स्टैंड करता है। इस महीने का तीसरा यूनिकॉर्न एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑफ बिजनेस मिला है। ये B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक मोगलिक्स मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के SME के लिए रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट और क्रेडिट फैसिलिटेट करता है।
और हेल्प करता है बेटर प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी, बेटर प्राइसेस और बेटर टाइमलाइंस पर। 160 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग रेज करने के बाद कंपनी का वैल्यूएशन 1.5 बिलियन डॉलर्स है। अगस्त में हमें न्यू दिल्ली बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप भारत पे इंडिया का फिफ्थ फिनटेक यूनिकॉर्न बना आफ्टर पेटीएम, फोनपे, रेजर पे और पाइन लैब्स। भारत पे ने मर्चेंट्स के लिए इंडिया का पहला UPI इंटरऑपरेबल QR कोड लॉन्च किया और फिर कुछ और फाइनेंशियल सर्विसेज में एक्सपैंड हो गए। 370 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग के बाद कंपनी का वैल्यूएशन 2.85 बिलियन डॉलर्स पर स्टैंड करता है। सेल्स फोकस्ड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस स्टार्टअप माइंटिकल अगला यूनिकॉर्न बना अगस्त में। माइंटिकल बिजनेसेस की सेल्स को इम्प्रूव करने में फोकस करता है आइडियल सेल्स बिहेवियर गेज करके, सेलर्स की नॉलेज और स्किल सेट को बढ़ा के और रियल वर्ल्ड फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करके। साथ ही ऑनबोर्डिंग, माइक्रो लर्निंग, कोचिंग और स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है। 100 मिलियन डॉलर्स रेज करने के बाद कंपनी का वैल्यूएशन 1.2 बिलियन डॉलर्स है। बायजूस और अनअकैडमी के बाद हमें तीसरा एडटेक स्टार्टअप मिला है जो यूनिकॉर्न क्लब में एंटर हुआ है, अपग्रेड। अपग्रेड काफी यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट करके ऑफर करता है हायर एजुकेशन कोर्सेज। इस प्लेटफॉर्म पर मोर देन 2 मिलियन रजिस्टर्ड लर्नर्स हैं। ये मुंबई बेस्ड स्टार्टअप 185 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग रेस करने के बाद स्टैंड करता है 1.2 बिलियन डॉलर्स के वैल्यूएशन पर। अपग्रेड के साथ फोर्थ एडटेक यूनिकॉर्न स्टार्टअप मिला एरोडाइटस। 2010 फाउंडेड ये प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम्स प्रोवाइड कराता है इन एसोसिएशन विद ग्लोबल बिजनेस स्कूल्स जैसे MIT, कोलंबिया, INSEAD, टक एट डार्टमथ, वॉर्टन, UC बर्कले और लंदन बिजनेस स्कूल। 650 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग रेस करने के बाद कंपनी वॉपिंग 3.2 बिलियन डॉलर्स के वैल्यूएशन पर स्टैंड करती है। इंडिया को उनका पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड यूनिकॉर्न स्टार्टअप मिला CoinDCX। CoinDCX क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन, प्रोफेशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और क्रिप्टो सेंट्रिक इन्वेस्टर एजुकेशन प्लेटफॉर्म रन करते हैं। प्लान है कि फंडिंग का बल्क पार्ट क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अवेयरनेस, R&D फैसिलिटी और मल्टीपल फंक्शंस पर एलोकेट किया जाएगा। 90 मिलियन डॉलर्स रेस करने के बाद CoinDCX का वैल्यूएशन 1.1 बिलियन डॉलर्स है। ऑनलाइन ई ग्रोसरी फर्म ग्रोफर्स भी इस महीने यूनिकॉर्न क्लब में एंटर किया। कंपनी ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी प्रोवाइड कराती है और प्लान है कि फ्यूचर में स्टोर्स के साथ टाइप्स करके अंडर 10 मिनट एक्सप्रेस डिलीवरी स्टार्ट करेंगे। पब्लिकली लिस्टेड फूड एग्रीगेटर जायंट जोमैटो के 9.16 स्टेक एक्विजिशन और अराउंड 70 मिलियन की फंडिंग रेस करके ग्रोफर्स का वैल्यूएशन ओवर 1 बिलियन डॉलर्स है। इंडिया को इसी महीने 25th यूनिकॉर्न मिला जेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग। जेटवर्क एक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को वेंडर्स और सप्लायर्स से कनेक्ट कराता है कस्टमाइज प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल मशीन कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स के लिए। 150 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग रेस करने के बाद कंपनी का वैल्यूएशन 1.33 बिलियन डॉलर्स है। ड्रीम इलेवन के बाद सितंबर में दूसरा ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग यूनिकॉर्न क्लब में एंटर हुआ। 85 मिलियन यूजर बेस के साथ कंपनी स्किल बेस्ड गेम्स जैसे डेली फैंटेसी स्पोर्ट्स और चेस और कैजुअल गेम्स जैसे 8-ball पूल और फ्रूट निंजा ऑफर करते हैं। 150 मिलियन डॉलर्स रेस करके प्लेटफॉर्म का वैल्यूएशन अराउंड 2.3 बिलियन डॉलर्स है। ब्लू और ग्रे कॉलर वर्कर्स के लिए जॉब मार्केटप्लेस अपना यूनिकॉर्न क्लब में एंटर करने वाला अभी तक का सबसे फास्टेस्ट स्टार्टअप रहा है। अपना स्किल्ड प्रोफेशनल जैसे पेंटर्स, कारपेंटर्स, सेल्स एजेंट्स एट्सेट्रा को कम्युनिटी प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही जॉब सीकर इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज भी देख सकते हैं और अपने पीयर्स और कलीग्स के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। 100 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग रेस करके कंपनी का वैल्यूएशन 1.1 बिलियन डॉलर्स है। बैंगलोर बेस्ड ऑनलाइन ट्यूटरिंग स्टार्टअप वेदांतु इंडिया का फिफ्थ एडटेक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। ये एडटेक स्टार्टअप इंटरैक्टिव लाइव ट्यूटरिंग कोर्सेज और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए टेस्ट प्रिपरेशन प्रोवाइड कराता है। 100 मिलियन डॉलर्स रेज करने के बाद कंपनी स्टैंड होती है 1.1 बिलियन डॉलर्स के वैल्यूएशन पर। अक्टूबर में हमें इंडिया का दूसरा क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न स्टार्टअप मिला कॉइनस्विच। 2017 में फाउंडेड ये स्टार्टअप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस का एक ग्लोबल एग्रीगेटर लॉन्च किया गया था।
कंपनी ने फिर इंडिया एक्सक्लूसिव क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कोइनस्विच कुबेर को इंट्रोड्यूस किया लास्ट ईयर जून में, इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट्स सिंप्लीफाई करने के लिए। $260 मिलियन की फंडिंग के बाद कंपनी का वैल्यूएशन $1.2 बिलियन है। बेंगलुरु बेस्ड गोरमे मीट स्टार्टअप लिशियस इस महीने यूनिकॉर्न क्लब में एंटर किया। लिशियस फार्म टू फोर्क बिजनेस मॉडल पर रन करता है, मीनिंग के कंपनी पूरा बैकएंड सप्लाई चेन भी ओन करता है और प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज भी कंट्रोल करता है जब तक कि प्रोडक्ट कस्टमर तक ना पहुंच जाए। $52 मिलियन की फंडिंग रेस के बाद लिशियस स्टैंड करता है $1.05 बिलियन की वैल्यूएशन पर। क्लाउड किचन्स और डिजिटल ब्रांड ऑपरेटर रिबेल फूड्स भी इसी महीने यूनिकॉर्न स्टेटस गेन किया है। फासोस, बहरूज बिरयानी, अवन स्टोरी पिज्ज़ा, मैंडरिन ओक, द गुड बोल, स्ले कॉफ़ी, स्वीट ट्रूथ, वेंडीज और काफ़ी और ब्रांड्स ओन और रन करता है और अराउंड 50% डिमांड्स स्विगी और जोमेटो के थ्रू जनरेट करता है। $175 मिलियन रेस करने के बाद कंपनी का वैल्यूएशन $1.4 बिलियन है। फिनटेक और आईपीओ बाउंड एनसीआर बेस्ड स्टार्टअप मोबीक्विक भी इसी महीने यूनिकॉर्न क्लब में एंटर किया। जस्ट लाइक पेटीएम और फोनपे, मोबीक्विक भी डिजिटल पेमेंट कंपनी है जो मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम और डिजिटल वॉलेट प्रोवाइड करती है। $20 मिलियन फंडिंग रेस के बाद कंपनी का वैल्यूएशन अराउंड $1.5 बिलियन है। एनसीआर बेस्ड कार देखो इस साल कवेटेड यूनिकॉर्न क्लब में एंटर हुआ। कार देखो जस्ट लाइक ड्रूम कार सर्च और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को हेल्प करता है नए और सेकेंड हैंड कार्स परचेज करने में। कंपनी प्लान कर रही है फ्यूचर में फंड्स को कार ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल सर्विसेज में एलोकेट करने का। $250 मिलियन की फंडिंग रेस करने के बाद वैल्यूएशन है $1.2 बिलियन। बेंगलुरु बेस्ड इंश्योरेंस एग्रीगेटर एको इंश्योरेंस अक्टूबर मंथ का लास्ट स्टार्टअप था जो यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव किया। 2016 में फाउंडेड एको एक डिजिटल इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइडर है और साथ ही वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट शेयर होल्डर है एम्बेडेड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जैसे मोबिलिटी और गैजेट इंश्योरेंस में। $255 मिलियन की फंडिंग के बाद कंपनी की वैल्यू $1.1 बिलियन है। नवंबर का पहला स्टार्टअप जो एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्यूटी ब्रांड MyGlam है जो यूनिकॉर्न क्लब में एंटर हुआ। कंपनी ऑफर करती है मोर देन 800 क्रुएल्टी फ्री एंड वीगन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इन कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर और पर्सनल केयर कैटेगरीज में। साथ ही MyGlam के ओवर 30,000 ऑफलाइन रिटेल पॉइंट्स ऑफ सेल भी है। $150 मिलियन की फंडिंग रेस करने के बाद कंपनी का वैल्यू $1.2 बिलियन है। फिटनेस स्टार्टअप क्योरफिट भी इसी महीने यूनिकॉर्न्स की लिस्ट में ऐड हुआ है। क्योरफिट ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस मॉडल पर रन करता है और ऑफर करता है फिजिकल फिटनेस, कल्ट फिट, मेंटल फिटनेस, माइंड फिट, न्यूट्रिशन, ईट फिट और प्राइमरी केयर वर्टिकल केयर फिट। जोमैटो से $100 मिलियन फंडिंग रेस करके क्योरफिट की वैल्यू $1.56 बिलियन है। अपना स्टार्टअप को पछाड़ के मेंसा ब्रांड्स सिर्फ 6 महीने में सबसे फास्टेस्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है। मेंसा छोटे ब्रांड्स और स्टार्टअप के साथ टाइप या एक्वी हायर करके उनको डिजिटली फर्स्ट बनाता है और उनकी प्रेजेंस को और ग्लोबली बढ़ाता है। $135 मिलियन रेस करके कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन पर स्टैंड करता है। बेंगलुरु बेस्ड रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म नो ब्रोकर भी सेलिब्रेटेड यूनिकॉर्न क्लब में एंटर किया है एज द फर्स्ट प्रॉपर्टी टेक प्लेटफॉर्म। नो ब्रोकर एक रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म है जो प्रॉपर्टी ओनर्स की वेरीफाइड लिस्टिंग प्रोवाइड करता है विदाउट ब्रोकरेज फॉर मिडलमैन। साथ ही नो ब्रोकर फाइनेंशियल सर्विसेज होम लोन्स के लिए, नो ब्रोकर होम सर्विसेज पैकर्स एंड मूवर्स और लीगल डॉक्यूमेंटेशन, और नो ब्रोकरहुड जो रेजिडेंशियल एकोमोडेशंस में विजिटर मैनेजमेंट जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। $210 मिलियन फंडिंग रेस करके कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन है। यूज्ड कार रेंटल प्लेटफॉर्म स्पिनी भी फोर्थ स्टार्टअप बन गया है आफ्टर Cars24, कार देखो और ड्रूम जो यूनिकॉर्न क्लब में एंटर किया है। कंपनी पूरा वैल्यू चेन रन करता है और ऑनलाइन टू ऑफलाइन मॉडल रन करता है जहां यूजर ऑनलाइन कार डिस्कवर और चूज करते हैं और पर्सनली इनके हब पर फाइनली परचेज करते हैं। अराउंड $248 मिलियन रेस करने के बाद कंपनी वैल्यू करती है $1.75 बिलियन पर।
और आखिरी में कुछ ही दिन पहले इस साल का 48th स्टार्टअप अपस्टॉक्स स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म भी कवेटेड यूनिकॉर्न क्लब में एंटर किया है। अपस्टॉक्स मोबाइल और वेबसाइट स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां एनालिसिस, चार्टिंग और काफी रिच ट्रेडिंग फीचर्स प्रोवाइड करता है। 25 मिलियन की फंडिंग रेस करके ओवर $3 बिलियन के वैल्यूएशन पर कंपनी स्टैंड करती है। अभी 2021 को कुछ दिन और है, सो मे बी ये लिस्ट और बड़ी होगी, बट इस साल इंडिया को रिकॉर्ड यूनिकॉर्न्स मिले हैं जो इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और साथ ही नए इन्वेस्टमेंट्स, इनोवेशंस और अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा देंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। फटाफट से जाके वीडियो को अपना एक लाइक दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट करें ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।